घंटियों की आवाज़ पसंद है या फिर सरसराने की आवाज़? क्या आपको भी स्लाइम की क्रंची आवाज़ से नफरत है? क्या आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग आवाज़ों पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? डॉली और स्टीव रूममेट्स हैं, मगर ये कमरा तो बहुत छोटा है, तभी हर आवाज गूंजती है। ये कमरा ही नहीं बल्कि भद्दी आवाजों का पूरा ऑर्केस्ट्रा है। डॉली और स्टीव की सोच बिल्कुल नहीं मिलती, तभी उनकी जिंदगी की आवाजें भी अलग हैं। ये एक सुनसान कमरे में असली साउंड चैलेंज है। डॉली के पास एक ऐसी नोटबुक है जिसका कवर बहुत अजीब आवाजें निकालता है। डॉली ने बाकी आवाजों को नजरअंदाज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। एक नोटबुक पर गुलाबी पेंट करें, कवर के कोनों पर हॉट ग्लू लगाएं और नोटबुक पर बबल रैप चिपकाएं। डॉली ने एक लंबी सांस ली और अपनी नोटबुक से पॉपिंग साउंड के मजे उठा रही है। हाँ, इसे कहते हैं संतुष्टि। यही है असली जेन लाइफस्टाइल। बबल रैप का आविष्कार भी इसी कारण हुआ था। डॉली ने खुद को शांत किया। डॉली अपनी नेल्स फाइल कर रही है और स्टीव को एक सुहानी आवाज सुनाई दी। ये आ कहाँ से रही है? जरूर पड़ोस में परियां पार्टी कर रही हैं, या फिर सांता क्लॉस यहीं अपने स्लेज को पार्क कर रहा है। पर स्टीव ने जब ध्यान से सुना तब उसे समझ आया कि सांता क्लॉस का इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये आवाज डॉली की कलाई पर बंधे ब्रेसलेट से आ रही है। हमें कुछ एक जैसी दिखने वाली बोतलें चाहिए। हर कॉक के अंदर स्क्रू रिंग डालें, एक जंप रिंग और चेन के टुकड़े को लगाएं। सभी टुकड़ों को एक लंबी चेन से जोड़ें। बोतलों के अंदर चमकीली डालें। एक सिरिंज में ग्लिसरीन को भरें और बोतलों में ग्लिसरीन डालें और उन्हें कॉक लगाकर बंद करें। डॉली ने अपने नेल सैलों को म्यूजिकल सैलों में बदल दिया। बोतलों की आवाज जादू जैसी है। अब डॉली का हाथ स्टीव का पसंदीदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब क्या वो अपना हाथ वापस ले ले? उसे अपने नेल्स फाइल जो करने हैं और वो उसे अपनी कलाई के बिना नहीं कर सकती। मगर स्टीव इस क्लिंकी वाइब को खत्म नहीं करना चाहता। लगता है स्टीव के पास म्यूजिक के लिए एक अलग कान है। तभी वो अपनी दोस्त की कलाई को टैम्बरीन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। स्टीव अपनी बेफिक्री वाली जिंदगी से थक कर और मुँह में चॉकलेट लिए सो गया। मगर डॉली एक प्रोफेशनल है। जब बात खाली समय को मैनेज करने की हो, वो अपने खाली समय को जाया नहीं करेगी। तभी वो अपना वीकेंड प्लान करना चाहती है। इसके लिए उसके पास एक खास प्लानर है। एक आयातकार थर्मोकोल के टुकड़े पर पेंटर्स टेप लगाएं और फ्रेम बनाएं। कोनों पर पारदर्शी स्टेशनरी ग्लू लगाएं। चमकीली को छिड़के टेप को हटा लें। प्लान के पॉइंट्स को बनाएं परमानेंट मार्कर से। चमकने वाले सितारों को लगाएं। स्टीव को उठाना आसान नहीं, वो आलसीपन में झंडे गाड़ रहा है। डॉली ने उसे उठाने का हर तरीका अपना लिया। सबसे पहले उसने प्यार से उठाने की कोशिश करी, ये काम नहीं करा। फिर उसने उसे हिलाया। कुछ भी उसे उसके सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकाल सकता। आखिरकार स्टीव ने अपनी आंखें खोली। डॉली अपने थर्मोकोल पर प्लान लिखने के लिए तैयार है, मगर थर्मोकोल पर मार्कर चलने की आवाज स्टीव को पागल कर रही है। ये नाजुक कानों पर किसी अत्याचार से कम नहीं। स्टीव ने अभी उसे प्लान लिखने के लिए मना कर दिया। इसे झेलना मुश्किल है, इस भयानक आवाज के कारण कहीं उसका ईयर ड्रम बाहर ना आ जाए। मगर डॉली ने लिखना नहीं छोड़ा। अब स्टीव के पास बचने का एक ही रास्ता है, भागो। मगर डॉली और उसका थर्मोकोल उसका हर जगह पीछा कर सकते हैं। डॉली नेल पेंट लगा रही है। अचानक से उसकी नेल पेंट अजीब सी आवाजें निकालने लगी। ये सच नहीं हो सकता, पहले तो कभी ऐसी आवाज नहीं आई। क्या ये नेल्स के क्रैक होने की आवाज है?
ये रहस्यमय चीज जरूर कहीं आसपास ही है। स्टीव के हाथ, ये तनाव कम करने वाली स्लाइम क्रंचिंग है। स्लाइम ग्लू में गुलाबी रंग मिलाएं। बोरिक सॉल्यूशन मिलाएं। इस गुलाबी स्लाइम को गूंथ लें। ये स्लाइम क्रंचिंग की भाषा जानती है। जरा सुनो। इस आवाज को सुनने पर कानों में गुदगुदी होती है। स्टीव इस आवाज को हमेशा सुन सकता है। ऊपर से इसे हाथों से मसलना बहुत संतुष्टि देता है। मगर डॉली अभी भी हंस रही है और नेल पेंट लगा नहीं पा रही, क्योंकि बार बार आवाज उसका ध्यान भटका रही है। स्टीव गेम जीतने के लिए एक और लाइफ के लिए लड़ रहा है और डॉली को दोबारा उससे कुछ चाहिए। वो इससे इसका फोन मांग रही है। डॉली बहुत गलत वक्त पर आई है। स्टीव सब कुछ देने को तैयार है, बस उसे अकेला छोड़ दो। डॉली को जो चाहिए था उसे मिल गया। अब समय है फोन पर मधुमक्खी वाले कपड़े पहनाने का। एक तार के टुकड़े को प्लास्टिक की घंटी के बीच गुजारें। तार को मोड़ें और दो एंटीना बनाएं और उन्हें फोन केस पर हॉट ग्लू से चिपका दें। फोन केस पर पीली और काली पट्टियां पेंट करें। एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल करें। इसे मधुमक्खी जैसा बनाएं। एंटीना पर काला पेंट करें। पेंट के सूखने पर हॉट ग्लू से नकली आंखें चिपकाएं। काले पॉम पॉम को ऊपर लगाएं। इस फोन वाली मजाकिया मधुमक्खी से तो बहुत सही आवाजें आ रही हैं। इन आवाजों ने तो कुछ ऐसा किया जो कोई ना कर पाता। स्टीव का ध्यान भटकाया। वो अभी घाटे में है। उसका फोन आखिर क्या बन गया? जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट। असल में उसे मधुमक्खियों से नफरत है, मगर डॉली फिर भी इस फोन केस की खास चीजें दिखा रही है। ये घंटियां तुम्हें शांत करेंगी। स्टीव एक गुब्बारे के साथ मजाक करने का सोच रहा है, तब तक डॉली अपने बाल बना रही है। उसके पास गुब्बारे के साथ साथ एक खास डिवाइस है। एक प्लास्टिक बोतल के ऊपरी हिस्से को काटें, एक गुब्बारे को इससे गुजारें और ऊपरी हिस्से पर लगा दें। गुब्बारे के निचले हिस्से को काटें और इसे दूसरी तरफ को पलट दें। उल्टी तरफ एक और गुब्बारा लगाएं। स्टीव ने गुब्बारे को फोड़कर डॉली के कान के पास रख दिया। ये कैसी आवाज है? हवा में कौन शूट कर रहा है? क्या हमारे कमरे में भूत है और उसका नाम स्टीव है? उसका आविष्कार बहुत सारे काम करता है और वो अलग अलग आवाजें भी निकाल सकती है। डॉली को ये डिवाइस पसंद नहीं आया। स्टीव के कान जरूर स्टील के बने हैं, अगर वो इस आवाज को झेल सकता है। उसे वो पसंद आ रही है। हमें कभी नहीं समझ आएगा कि एक लड़के के मन में क्या चल रहा है। डॉली को स्टीव के टेबल पर फैलावट पसंद नहीं। ऐसा लगता है दुनिया का सबसे फैलावटी इंसान रहता है यहाँ। मगर स्टीव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई कुछ भी कहे। डॉली नाखुश है और स्टीव को ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो हर लड़के को जिंदा कर दे। ये आवाज़ है लड़कियों के रोने की। अरे डॉली, चलो भी, इस फैलावट के पीछे क्यों रो रही हो? स्टीव अपनी दोस्त को मनाना चाहता है। ऐसा लगता है उसने एक छोटा सा तोहफा बनाया है, बस उसे फैले हुए सामान में ढूंढना मुश्किल है। अरे ये रहा, सराहने के नीचे। डॉली को तोहफे बहुत पसंद है। उसने इसे देखकर रोना भी बंद कर दिया और वो सोच रही है कि डिब्बे में क्या होगा। चॉकलेटी चॉकलेट, वो भी चॉकलेट से ढकी हुई। डॉली डिब्बे को बहुत टाइम लगाकर खोल रही है। इसके अंदर और तो कुछ नहीं बल्कि सिर्फ लीरे हैं, मगर इसी की आवाज स्टीव को बहुत पसंद है। कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉली को कागज मसलते रहना चाहिए। तभी स्टीव के कान खुशी के हॉर्मोन्स बना रहे हैं। आखिरकार डॉली को ये समझ आया कि इसके अंदर पैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं। ये तो धोखा है। स्टीव बहुत अहंकारी है।
क्या आपको साउंड वाली वीडियो पसंद आई? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आप अपने दोस्तों को चौंकाने के लिए कौन सी आवाज़ चुनेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे नए चैलेंजेस रूम रूम से मिस ना कर दें।